झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाल परगना के लोगों को कई सौगातें दी हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने साहिबगंज में जनता दरबार सह योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास व परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कई अहम योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया, साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया। इस मौके पर सीएम ने राज्य में कम बारिश के कारण सुखाड़ की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार किसानों को राहत पहुंचाने को लेकर संजीदा है और अधिकारियों से फीडबैक भी ले रही है। हम आप लोगों के लिए कार्य योजना बनाते, आपके लिए नई नई नीतियां बनाते, कई वर्गों की समस्याओं का समाधान कर रहे होते, लेकिन आज सुखाड़ हमारे सामने है और नतीजा ये हो गया कि आज पदाधिकारियों के साथ साथ आज सरकार के मंत्री हो या हम खुद भी हैं, राज्य के जिलों जिलों में जाकर के वर्तमान स्थिति का आकलन करेंगे। वहीं दूसरी ओर सीएम ने गोड्डा में विकास मेला सह जनता दरबार व परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में शिरकत की, जहां सीएम ने लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जो भी योजनाएं चला रही है वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हित में है, इसलिए अधिकाधिक लोग इसका लाभ उठाएं। सरकार जितने भी योजनाएं ला रही है वो सभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु लाए जा रहा है। आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी ग्रामीण अपनी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे बढ़े, उसके साथ सहानुभूति पूर्वक उसको मदद करने का आप लोग काम करें, ना कि उसको धुतकारने का प्रयास करें। बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सर्वजन पेंशन, पुरानी पेंशन व्यवस्था और 1932 के खतियान जैसे राज्य सरकार की हालिया फैसलों को रेखांकित करते हुए राज्य के चतुर्दिक विकास के प्रति गतिमान प्रयास का भरोसा दिलाया।